ना ट्रीटमेंट है, मेडिकेटेड ऑयल मसाज बॉडी पे करने के बाद मेडिकेटेड स्टीम मेडिकेटेड वॉश से पेशेंट को किया जाता है। क्या आपको अनकंट्रोल डायबिटीज है और शुगर की वजह से आपको रेटिनोपैथी या फिर नेफ्रोपैथी या फिर सीवियर बॉन्डनेस, डिप्रेशन, एंग्जायटी, सीवियर फंगल इन्फेक्शन, दैट मीन्स पूरे बॉडी पे ईचिंग, रेडनेस, बर्निंग सेंसेशन फॉर्म हो गया है, और क्या आपको ट्रेमा शुरू हो गए हैं, तो इसके लिए क्या आप शुगर की दवाइयाँ ले रहे हैं या फिर आपका फास्टिंग लेवल 4-500 है, तो आपको क्या इंसुलिन स्टार्ट कर दिया गया है, और क्या आपको ये जन्म भर लेना चाहिए? नहीं, कभी भी एलोपैथिक दवाइयाँ डायबिटीज़ के लिए कहा जाता है कि डायबिटीज हमेशा के लिए नहीं निकल सकता है, लेकिन आयुर्वेदिक में कभी भी ऐसा नहीं कहा जाता है। आप भी नॉन डायबिटिक बन सकते हैं, इसके लिए हर्बल मेडिसिन पेशेंट्स को दिया जाता है। पंचकर्म का ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसमें स्नेहना स्वेदन मालिश और स्टीम के बाद एनिमा ट्रीटमेंट दी जाती है, जैसे मेडिकेटेड क्वास से एनिमा किया जाता है, और डेली ऐसे पेशेंट को नस्यम दिया जाता है। डिप्रेशन होगा तो शिरोधारा किया जाता है। सीवियर फंगल इन्फेक्शन, डर्माटाइटिस, सोरियासिस हो तो डेली रक्तमोक्षण ट्रीटमेंट दिया जाता है, और ऐसे पेशेंट में विद इन 1-3 डेज में इंसुलिन और एलोपैथिक केमिकल्स मेडिसिन शुगर के लिए कंप्लीट बंद की जाती है, और विद इन 10-15 डेज में फास्टिंग लेवल शुगर का पेशेंट का चेक किया जाता है, और विद इन 15-30 or 45 डेज में शुगर लेवल नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। ऐसे पेशेंट को 3-6 मंथ रेगुलर मेडिसिन दी जाती है, एब्डोमिनल पैक्स दिए जाते हैं, एवरी मंथ 11-15 डेज का पंचकर्म दिया जाता है। ये साइकिल 3-6 मंथ भी चल सकता है अगर क्रॉनिक कंप्लेंट है या फिर हेरिडिटरी प्रॉब्लम पेशेंट में है, यानी मदर फादर से बच्चों में ये जेनेटिक डिसीजेस आया है, तो ये कंटिन्यूसली हर महीने दिया जाता है, और इसके मेडिकल रिजल्ट पेशेंट्स को मिलते हैं। विद इन फ्यू डेज ही शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। इसमें हम पेशेंट्स को ड्राई फ्रूट्स और कच्चे रॉ फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलड्स डेली खाने के लिए बोलते हैं। गेहूँ की रोटी भी खानी ज़रूरी है। चावल इसमें कम्प्लीटली बंद नहीं करने के लिए बोलते हैं। सैटरडे संडे आप 1 या 2 स्पून जरूर खाइए, क्योंकि अगर एकदम आप 6 महीने 1 साल बाद अगर कोई भी चीज़ खाते हैं तो उससे स्किन एलर्जी होने की शक्यता रहती है, और ऐसे पेशेंट विद इन 3-6 और 9 मंथ में नॉन डायबिटिक बन जाते हैं।